हॅरियरचा डिस्प्ले फोनमध्ये दिसत असता. तर मी सांगतो तुम्हाला 29 मिनिट्स रिमेनिंग फॉर 19 किलोमीटर्स जर्नी, लेकिन अभी यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है और ट्रेन जा रही है, इनफैक्ट जा चुकी है जस्ट 8 किलोमीटर्स बिफोर तीरथगढ़. हम लोग ने कांगर घाटी नेशनल पार्क में एंट्री कर ली है. ऑल राइट, वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ एंड इट्स टाइम टू शो यू हाउ दिस जाइगेंटिक वाटरफॉल लुक्स. टाइम टू गो बैक अप. ऊपर जाके एंट्रेंस के पास पार्किंग के पास बहुत सारे स्टॉल्स हैं, कुछ तो खाने के लिए ढूंढते हैं वहाँ पे. देन विल सी व्हाट हैपेंस अहेड. प्रियंका आणि इवाला मी गाठले आणि इथे दोघींना भेटले त्यांचे मित्र, आणि ते मित्र दोघींच्या सोबत सोबत चालताय. हे बघा. चल अगं, एवढा जिगरी दोस्त तुझा, त्याला काय घाबरते. चल 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 चल. नाही पहुंच गए, यहीं से आगे पार्किंग है. स्टेप्स तो क्वाइट स्टीप है ऑब्वियसली, जैसा नेचुरल टेरेन है उसमें उन्होंने रास्ता बनाया नीचे जाने के लिए. थोड़ा श्वास घेऊ दे मग बोलूया. हाँ, वी आर बैक इन द कार. ऊपर चढ़ते वक्त ना पसीने से हालत खराब होगी, इट्स टोटली वेट. प्रत्येकाच्या हातात काही ना काहीतरी आहे. एक ताक पितंय, एक फ्रुटी पितंय, माझं ताक इकडे वेटिंगवर आहे कारण मी तुमच्याशी बोलतोय. एनीवेज, इवा तुम्हाला दोघींना विचारतो, ऍक्च्युली इवाला नाही, दोघी पण सांगा कसा वाटला धबधबा. मोठा वाटायचा काय, मोठा तर आहेच, पण असं असं एक्सपिरियन्स कसा होता, कसं भीती वाटत होती खाली उतरताना की बापरे केवढा मोठा येतो. तुला इवा मज्जा पण आली आणि भीती, मज्जा पण आली आणि भीती पण वाटली. आपण खाली बऱ्याच वेळ तिथे आपण फिरत होतो एक एक वॉटरफॉल करत, तेव्हा काही नाही वाटलं. सुरुवातीला जेव्हा त्याची पहिली झलक बघितली तेव्हा पहिल्यांदा बघितलं असं वाटलं. आवडला इवा? मग भिजली का नाही तू? कपडे पण आणले तुझे तर त्याचं परत खाली भिजायला. परत खाली कोण उतरेल भिजण्यासाठी. एनिवेज, आता थोडं थंड होतो, ताक पितो. इथून निघाल्यावर आता केव्स बंद आहेत म्हटल्यावर तसं तर दुसरं काही जास्त नाही आज करायला. अरे हा इवा, थँक्यू. इवाची कॅप राहिलेली दुकानात त्यांनी आणून दिली इकडे येऊन, सो नाईस ऑफ. बघितलं इथे घेतलेली कॅब इकडे चढून आला असतात. तीरथगडची कॅब तीरथगडला, दुसरीकडे गेल्यावर परत दुसरी घ्यायची. अगर आपने ओएसिस इन द डेजर्ट ये टर्म कभी सुनी है ना, तो उसका मतलब आपको पता होगा कि जहाँ कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है. लिटरल मीनिंग तो ये है कि ओएसिस इन द डेजर्ट मतलब पूरे रेगिस्तान के बीच में कहीं पे एक ऐसे ग्रीनरी रहती है, पानी का कोई लेक रहता है, लेकिन उसको यूज़ किया जाता है इस तरह से कि जहाँ पे जो चीज़ एक्सपेक्टेड ही नहीं होती है वहाँ पे कोई ऐसे एकदम बढ़िया सी चीज़ मिल जाना. तो दिस इज़ समथिंग दैट हैपन टू अस टुडे. तीरथगढ़ से वापस निकले, यहाँ पे सारे ना एकदम छोटे छोटे गांव है, गांव भी नहीं बोल सकते, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं. एंड ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक टर्न लिया और सामने आई सी ए बोर्ड कॉल्ड होटल आराध्या इंटरनेशनल, और वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है बिकॉज दिस सो ब्यूटिफुली मेड. आराध्या किचन उन्हीं का रेस्टोरेंट है, इट्स प्योर वेज बट इट्स रियली ब्यूटिफुल, और अच्छा खासा मतलब फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्योर वेज है, लेकिन जो भी है खाना उनके पास बहुत सही है. बिसाइड्स दैट ये बहुत ही रीजनेबल भी है.
मतलब अभी मैंने ऐसे सोचा था कि वो आराध्या इंटरनेशनल वगैरह ऐसा कुछ नाम है तो कॉस्टली रहेगा, प्रीमियम रहेगा, लेकिन नहीं, एकदम एकदम सही है। मतलब मैं इवा और प्रियंका तीनों का अभी लंच हुआ, द बिल वॉज 370 रुपीज, पेट भर के रोटी राइस सब खाया। मतलब अभी प्रियंकाच्या हिशोबाने म्हटलं तर पेट भरकेचा अर्थ पण थोडासा असाच असतो, बट स्टील पोट भरलं तिघांचं पण। इवा पोटभर जेवलीस ना? ओके, सगळे पोटभर जेवले 370 रुपयात। सकाळी आमचा त्या हॉटेलला नाश्ता पण 370 रुपयाचा होता। प्रियंका बोलते आपण उद्या इकडे नाश्ता करायला, पण इथेच येऊया। एनिवेज, तीरथगडच्या रोडवर हॉटेल आराध्या किचन, डेफिनेटली ट्राय करा जर इकडे आलात तर, मस्त हॉटेल आहे। मी बजाय शाम के 6:15 एंड वी आर इन द टाउन ऑफ जगदलपुर। यहाँ पे मेरे पीछे एक लेक है, दिस इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन दिस एरिया, और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह करके एक पूरा ऐसे अंदर प्रोमोनेड जैसा बनाया हुआ है, रिवर वॉक समथिंग समथिंग मैंने पढ़ा था गूगल पे। यहाँ पे एकदम ऐसे रिवर साइड वॉकवे है बना हुआ, जॉगिंग ट्रैक है, और ये लाइटिंग तो आपको दिख रही होगी शायद, अगर फ्लैश बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो। लुक एट दैट, इकड़े का दाखोते मी ये वाली सब, तो वहाँ पे अभी हमें जाना है। आणि ही माझ्या वर हसती आहे कारण मी कॅमेराच्या पुढे बोट दाखवायच्या ऐवजी स्क्रीनच्या साइडला बोट दाखवत होतो। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे 5 बजे पहुंचे थे, बेसिकली लंच करके निकले, जगदलपुर टाउन में आए, फिर जो मैंने बताया था कल के व्लॉग में कि गाड़ी का छोटा सा एक काम है, सो काम ये था कि गाड़ी स्टेपनी पे चल रही थी और नया टायर अपने बूट स्पेस में था तो वो एक्सचेंज करवाने थे, तो वो करके लिया, और वो सब करके हम लोग ऑलमोस्ट 6:45 के आसपास या 5:40 के आसपास यहाँ पहुँच गए। तो तभी वो लाइट्स वगैरह कुछ चालू नहीं थे, कुछ कुछ लाइट्स जस्ट चालू हुए थे लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि सनलाइट तभी बहुत था, डे लाइट था। तो हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पे बैठे हैं कार में, आणि या दोघी जणी आणि मी सुद्धा, ऑफकोर्स मी असं उगाचच नाही बोलणार, आम्ही सगळे इथे बसून इथे इथे फोन लावून तारक मेहता का उलटा चष्मा बघतोय। म्हणजे घरून फ्लाईटनी रायपूरला आलोय, रायपूरवरनं गाडी चालवून जगदलपूरला आलोय, आणि गाडीत बसून आम्ही तिघ जण तारक मेहता का उलटा चष्मा बघतोय गेला अर्धा तास। का तर काळोख व्हायची वाट बघत, फायनली काळोख झालाय, आता ते लाइटिंग छान दिसायला लागलंय, तर आता आपण उतरूया गाडीतून आणि जाऊया आणि बघूया। गुगलवरती जेवढे रिव्ह्यूज लिहिले त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की इट्स द बेस्ट प्लेस टू हँग आउट इन द इव्हनिंग्स। लेट्स सी, अगर सच में है तो आपने को भी मजा आएगा, देखते हैं जाके। वेल, दिस इज इंडीड अ नाइस स्पॉट, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट। मतलब अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हो और साइट सीइंग में इस स्पॉट को एक टाइम अलॉट करते हो ना, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज वैसे यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट यहाँ से आप चल के जाओगे अंदर एंड तक, वहाँ पे एक सर्कल है और एक आर्ट बना हुआ है आमचो बस्तर, जिसका फोटो आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा होगा आपने, या फिर यहाँ पे भी डाल देता हूँ स्नैपशॉट, हियर इट इज़। सो वो एक मतलब सेल्फी पॉइंट जैसा है, और वहाँ पे बैठने के लिए सीटिंग एरिया वगैरह बना हुआ है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर जस्ट टू हैंग आउट इन द इवनिंग, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए दोस्तों के साथ, या फिर दिन भर आपने साइट सीइंग कर लिया है उसके बाद शाम को आके आराम से बैठना है थोड़ी देर, देन इज़ द परफेक्ट स्पॉट। ऑफकोर्स यहाँ पे बोटिंग भी है लेकिन वो शायद डे टाइम में रहेगा, अभी तो बंद था या फिर मानसून की वजह से बंद रहेगा, पता नहीं, बट दैट्स व्हाट इट इज़। अगर आपको ऐसे ही टाइम स्पेंड करना है, टाइम पास करना है, चिल आउट करना है, तो ये अच्छी जगह है, लेकिन अगर आपको कुछ नया देखना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है नया देखने के लिए, जस्ट कुछ सेल्फीज मिलेंगे आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो वी आर लीविंग नाउ फ्रॉम हियर, अभी डायरेक्टली होटल पे चलेंगे, बिकॉज थोड़ा सा अभी ईवा भी बोर हो गई, उसको आदत नहीं है ऐसे दिन दिन भर ट्रैवल करने की, इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ डूइंग दिस। सो अभी चलते हैं डायरेक्टली होटल पे और कल सुबह साइट सीइंग कंटिन्यू करेंगे, बट देन हम कल सुबह नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली होटल पे जाके मिलेंगे, बात करेंगे और बस, और कुछ नहीं। ऑल राइट, इट्स येट अनदर वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगदलपुर। टुडेज डेट इज 9th of September 2022, अनंत चतुर्दशी का दिन, गणेश विसर्जन का दिन, एंड ये तो मैंने ऐसे ही आपको थोड़ा सा ट्रिविया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज दे दिया, उसका इस व्लॉग से कोई संबंध नहीं है, अगर कोई संबंध पाया जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ
योगा योगला हिंदीत काय बोलतात? संयोग समजे. वा 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 तालिया. बाय द वे मला माहिती नाही की हे आता मी मागच्या ब्लॉगमध्ये कंटिन्युएशनमध्ये बोलतोय की नवीन ब्लॉगच्या स्टार्टिंगला बोलतोय, बिकॉज मी असं काही प्लॅन केलेलं नाही की कुठला ब्लॉग कुठे एंड करायचा आणि परत कुठे चालू करायचा. सो हाउएव्हर इट इज, इट्स अ व्हेरी गुड मॉर्निंग, 9th of September एज आय सेड. आणि आम्ही आता इथून चेकआउट करतोय, हॉटेलमधनं चेकआउट करून वी आर गोइंग टू चित्रकूट वॉटरफॉल, मेंदीर घुमर अँड तांबड घुमर. ये ऐसे घूमर वाले वो पद्मावत पिक्चर वाले घूमर नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे वाटरफॉल्स के नाम है ये. सो वी आर गोइंग टू विजिट 3 वाटरफॉल्स नाउ, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स रिटर्न जर्नी फॉर रायपुर. लेकिन आज डायरेक्टली रायपुर नहीं जाना है, बीच में कहीं पर रुकना है.